सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन जुड़ते ही बॉलीवुड की नामचीन सितारों का सच सामने आ रहा है, लेकिन इस मामले में सारा का नाम जुड़ते ही फैंस के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जी हाँ, दरअसल जब सुशांत की फैमिली ने रिया द्वारा सुशांत का यूज करने, उनके पैसों का यूज करने की FIR दर्ज करवाई, तो उसके बाद से लोग लगातार सारा और सुशांत के रिलेशनशिप की बात करते दिखाई दिए। सुशांत के फैंस का कहना था कि काश सुशांत कभी सारा से अलग ना हुए होते, काश सुशांत सारा का ब्रेकअप ना हुआ होता। वेल, ऐसी कई बातें सामने आई, लेकिन सारा का ड्रग एंगल सामने आते ही मैडम ने NCB के सामने सुशांत के साथ अपने रिलेशनशिप की बात को कबूला, और साथ ही साथ सारा ने अपने ब्रेकअप की वजह सुशांत का अपने रिलेशनशिप को लेकर लॉयल ना होना भी बताया। वेल, सुशांत के बारे में ऐसी बात सुनकर फैंस काफी भड़क गए, जिसके बाद सुशांत और सारा के ब्रेकअप की वजह को लेकर काफी खबरें सामने आई। सूत्रों के माने तो सुशांत और सारा के ब्रेकअप की वजह कुछ और नहीं बल्कि खुद सैफ अली खान थे। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के वक्त सारा और सुशांत एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। दोनों अपना काफी ज्यादा वक्त एक साथ गुजारते थे, लेकिन जब ये खबर सैफ अली खान को पता चली तो उन्होंने सारा को बेहद समझाने की कोशिश की। यही नहीं, करीना कपूर खान भी सुशांत और सारा के रिलेशन को लेकर ज्यादा खुश नहीं थी। रिपोर्ट्स की माने तो सैफ ने सारा को प्यार और गुस्से दोनों तरीके से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब सारा ने अब्बा की एक ना सुनी तो सैफ अली खान ने सुशांत को धमकियां देनी शुरू कर दी थी। जी हाँ, हाल ही में वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक शख्स सुशांत को पार्टी से खींचता हुआ ले जाता दिखाई दे रहा है। वेल, खबरों की माने तो इस पार्टी में सुशांत के साथ सारा भी मौजूद थी। जब ये बात सैफ को पता चली तो सैफ ने जल्द एक व्यक्ति को भेजकर सुशांत को सारा से दूर रहने की धमकी दी थी। यही नहीं, सैफ ने सुशांत को कहा कि अगर तुमने सारा का साथ नहीं छोड़ा वो सुशांत का करियर खराब कर देंगे। खबरों की माने जब सुशांत इन थ्रेट से काफी परेशान हुए तो दोनों ने अलग होने का फैसला किया। वेल, इससे पहले इस बात का खुलासा सुब्रमण्यम स्वामी भी कर चुके हैं, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। वेल, जब सारा से कॉफी विद करण में सैफ के सामने करण ने पूछा कि वो अपने को स्टार यानी कि सुशांत और रणवीर में से किसे चूज करेंगी, तो करण के इस सवाल पर सैफ काफी एक्साइटेड दिखे थे, जिसके बाद उन्होंने कहा था, यस दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे भी जानना है। तब सारा द्वारा रणवीर सिंह का नाम लेने पर सैफ ने रिप्लाई करते हुए कहा, चलो सही है, उसके पास पैसा है। वेल, इन दिनों ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। वेल, इसी के साथ वायरल हो रहा है कार्तिक सारा का ब्रेकअप का किस्सा। जी हाँ, दरअसल लव आजकल 2 की शूटिंग के दौरान सारा और कार्तिक को एक दूसरे को डेट करते हुए की खबरें भी खूब वायरल हुई थी, लेकिन कुछ वक्त बाद खबर सामने आई कि सारा का कार्तिक को यूं डेट करना माँ अमृता को बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके बाद वक्त के बाद दोनों के ब्रेकअप की खबर सामने आ गई। वेल, ऐसे में सवाल उठता है तो क्या सारा का नाम ड्रग्स में आने पर सैफ सारा की हेल्प इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पापा के खिलाफ जाकर उन्होंने सुशांत को डेट किया था? वेल, क्या है असल मुद्दा ये तो सैफ सारा ही जानते हैं। आप क्या कहेंगे इस पूरी रिपोर्ट पर, अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर लिख बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जाके CTV। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर तड़का बॉलीवुड को करें सब्सक्राइब।